सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर हाँ सफलता के पीछे एक अच्छा सिस्टम जरूर होता है। एक ऐसी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसने बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जिसके बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ AWPL की, जो कंपनी आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। भारत के बिहार राज्य के पश्चिम भाग में स्थित कैमूर जिला बिहार के खूबसूरत जिलों में से एक है, जहां अनेकों पर्यटन स्थल हैं। इसी कैमूर जिले में एक गांव है जिसे मटियारी गांव के नाम से जाना जाता है। इसी मटियारी गांव में श्री सुदर्शन सिंह जी का परिवार रहता था। सन 1988 में सुदर्शन सिंह जी के परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जितेंद्र कुमार मौर्य रखा गया। सुदर्शन सिंह जी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह जीवन संघर्षपूर्ण बीत रहा था। पिताजी हमेशा बीमारी के कारण घर पर ही रहा करते थे। जितेंद्र जी की माताजी श्रीमती प्रभावती देवी खेती व पशुपालन का कार्य करती थी। माताजी के अलावा कमाने वाला कोई दूसरा नहीं था और आय का कोई दूसरा साधन भी नहीं था। गांव का माहौल ठीक न होने के कारण जितेंद्र मौर्य जी को शिक्षा के लिए ननिहाल भेज दिया गया। इन्होंने ननिहाल के प्राइवेट स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से कक्षा 6 तक की शिक्षा प्राप्त की। पिता की बीमारी और आर्थिक तंगी के कारण इनको आगे की शिक्षा सरकारी स्कूल से लेनी पड़ी। सन 1996 में इनके चाचा जी ने अपने परिवार से जितेंद्र जी के परिवार को अलग कर दिया। अब हालत बद से बदतर होने लगी, परंतु माता जी के हौसले बुलंद थे। माता जी ने खेती के साथ साथ पशुपालन करते हुए परिवार का पालन पोषण बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया। परिवार का बड़ा पुत्र होने के कारण जितेंद्र मौर्य जी पर जिम्मेदारियों का बोझ आने लगा और जितेंद्र मौर्य जी ने पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करने की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान एक परिचित ने इन्हें इलेक्ट्रिक के काम पर रख लिया और काम करना शुरू कर दिया। जितेंद्र जी ने कई और कंपनियों में भी काम किया, परंतु सफलता नहीं मिली। सन 2010 में जितेंद्र मौर्य जी का विवाह इंदु देवी के साथ संपन्न हुआ। शादी के बाद जितेंद्र जी पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ने लगा और उसी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। इन्हीं हालातों में इनकी मुलाकात
सन 2017 में वर्तमान ब्लैक डायमंड मिस्टर कृष्ण कुमार जी से हुई। श्री कृष्ण कुमार जी ने इन्हें AWPL के बारे में बताया, पर मौर्य जी को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। तभी श्री कृष्ण कुमार जी ने जितेंद्र जी की मुलाकात वर्तमान के रॉयल एम्बेसडर श्री शिव कुमार जी से कराई। शिव कुमार जी ने जितेंद्र जी को कंपनी का पूरा प्लान दिखाया और भरोसा दिलाया कि वह अपने परिवार के सारे सपनों को इसी प्लेटफॉर्म से पूरा कर सकते हैं। जितेंद्र मौर्य जी ने इसी भरोसे के साथ श्री प्रणव पांडे जी और श्री कृष्ण कुमार जी के साथ बिजनेस प्लान की शुरुआत की। वह लोगों के घर घर जाकर कंपनी और प्लान के बारे में बताया करते थे, लेकिन लोग उन्हें मना कर दिया करते थे और लगातार काम करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना यखरता है, फिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तभी उनके अपलाइन श्री प्रणव पांडे जी ने उन्हें बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए काम सीखना पड़ेगा और ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। उसी समय वर्तमान के एम्बेसडर लीडर जिन्होंने एजुकेशन के दम पर पूरी इंडस्ट्री में धमाल मचाया है, डॉक्टर अमित दुबे सर के साथ ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला। अमित दुबे सर की स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और अपलाइन श्री प्रणव पांडे जी, श्री कृष्ण कुमार जी और श्री अवधेश नारायण जी का साथ व सहयोग समय समय पर मिलता रहा, जिसके कारण जितेंद्र मौर्य जी को धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो गई। साथ समंदर भी रे, चल साथ सुरों में गल दे ये ऐलान, हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हवेली रे रख दी है जान, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। कुछ ही दिन में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और एमराल्ड रैंक को हासिल किया और कुछ समय के बाद ही टोपाज और रूबी रैंक को भी हासिल कर लिया। जितेंद्र मौर्य जी ने बिजनेस की शुरुआत बाइक से की, पर सफायर रैंक पर उन्होंने अपने सपनों की पहली कार i20 खरीदी। अब उनका बिजनेस डेवलप होने लगा था,
जिसमें कई बेहतरीन लीडर जैसे मिस्टर विनोद कुमार सोनी, मिस्टर सूर्य मिश्रा, मिस्टर विनोद पाटिल, मिस्टर सुमित गुप्ता, मिस्टर गौरी शंकर, मिस्टर बबलू कुमार, मिस्टर ललन कुमार और मिस्टर रमेश कुमार जैसे अन्य कई लीडरों का साथ मिला। अपनी टीम के सक्सेस, डेडिकेशन और अपलाइन के विश्वास के दम पर जितेंद्र मौर्य जी ने स्टार सफायर और डायमंड जैसी रैंक को बहुत ही कम समय में हासिल कर लिया। जितेंद्र मौर्य जी को कंपनी के सीईओ व एमडी श्री संजीव कुमार जी, रॉयल एम्बेसडर श्री महिपाल सिंह जी, रॉयल एम्बेसडर श्री शिव कुमार जी, एम्बेसडर श्री अमित दुबे जी व क्राउन डायमंड श्री अवधेश नारायण जी का पल पल साथ और सहयोग मिलने के कारण कुछ ही समय में ब्लैक डायमंड रैंक को भी अचीव कर लिया, जिसके चलते जितेंद्र मौर्य जी ने अपनी माता जी को एक मकान उपहार स्वरूप दिया और 71 लाख रुपए की वॉल्वो कार खरीदी और अपने शहर व परिचितों में सफलता का झंडा गाड़ दिया। जितेंद्र मौर्य जी अपने परिवार सहित अनेकों देशों विदेशों की यात्रा कर चुके हैं। इसी बिजनेस के माध्यम से जितेंद्र जी ने 4 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम प्राप्त की और उनकी मंथली इनकम 10 से 12 लाख रुपए है और आज जितेंद्र जी एक लग्जरी लाइफ का आनंद ले रहे हैं।